देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज, अपराध के खिलाफ जंग। बाराबंकी से इस वक्त की बड़ी खबर, बाढ़ और महादेवा मेला की तैयारियों को लेकर हुई बैठक। मंदिर पहुंचकर किया शिवलिंग की पूजा अर्चना और जलाभिषेक। महादेवा ऑडिटोरियम में डीएम और एसपी समेत क्षेत्रीय विधायक रहे मौजूद। 22 से शुरू होने वाले मेला के लिए डीएम ने मौजूद अधिकारियों को दिए निर्देश। हर साल से बेहतर साफ सफाई व्यवस्था और अन्य तैयारियों को लेकर दिए निर्देश। बाढ़ को लेकर बोले डीएम, कल से घाघरा का जल स्तर बढ़ा है और अभी खतरे के निशान से 1 मीटर नीचे है। जल स्तर इसलिए परेशानी की कोई बात नहीं है, नेपाल से भारी बरसात हुई है जिस कारण जल स्तर बढ़ने की संभावना है। तपे सिपाह हेत मापुर जैसे सभी संवेदनशील स्थानों का जायजा लिया जा रहा है। थाना रामनगर के महादेवा ऑडिटोरियम में हुआ बैठक का मामला। जान रहे हैं कि आज हम लोग यहाँ आए थे, 22 तारीख से ये मेला शुरू होगा। सोमवार के दिन जो है विशेषकर इसमें बहुत भीड़ संभावित है, तो हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी हम लोग पूरी तैयारियाँ कर रहे हैं। आज उसी का जायज़ा लिया गया है और सब जगह सभी विभागों को जो भी अधिकारी थे उन सबको निर्देश दे दिए गए हैं। इस बार ये कोशिश ज़रूर करेंगे कि और हर वर्ष से कुछ और बेहतर करने का प्रयास करें, विशेषकर साफ़ सफाई और बाकी व्यवस्थाओं के रूप में। उसी की आज पूरी तैयारी बैठक थी। सर, एक घाघरा का जल स्तर बढ़ रहा है, घाघरा से के बाढ़ से निपटने के लिए क्या तैयारियां की जा रही है, क्या उपाय किए गए? कल रात 2 या 3 बजे के लगभग जो है जल स्तर जो है बढ़ना शुरू हुआ है और आज सुबह का जो जल स्तर है वो अभी जो है डेंजर लेवल से 1 मीटर अभी नीचे है। तो ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन क्योंकि बारिश बहुत हो रही है, नेपाल में भी बारिश बहुत हुई है, तो ये बढ़ने की संभावना पूरी है। सर, ये तपे सिपाह के पास आप देखिए कई खेती के कृषि योग्य भूमि के कटान जगह पे जा चुका हूँ, आपकी जानकारी में होगी। मैं तपे सिपाह भी जा चुका हूँ और मैं दूसरा जो दुर्गापुर वाला क्षेत्र है वहाँ पे भी मैं जा चुका हूँ, सनावा गांव भी मैं जा चुका हूँ, हाँ, और हितमापुर आज जा रहा हूँ। तो तीनों जो संवेदनशील स्थान है उन सबका भ्रमण हम लोग आज जो है पूरा कर लेंगे और वहाँ पे आवश्यक निर्देश भी सभी को दे देंगे। कप्तान साहब भी रहेंगे साथ में और एक्जन बाढ़ जो है वो भी रहेंगे। तो कटान की रोकने के लिए जो उपाय कर रहे थे वो सब जो है कटर इत्यादि वगैरह सबका निर्माण हो गया है, लेकिन जैसा मुझे बताया गया कि जैसे जल स्तर बढ़ेगा कटान की उतनी समस्या नहीं आएगी जितने की पानी के बहाव की, और जो यहाँ पे पानी आ जाएगा गांव में तो उसके लिए बंधे जो बने हुए हैं वहाँ पे पूर्व जो व्यवस्था है, जो पूरा प्लान है उसके हिसाब से लोग जो है वो उनको वहाँ पे शिफ्ट करना पड़ेगा। अभी तो खैर वैसी स्थिति नहीं आई है, लेकिन उसकी पूरी तैयारी है, हम लोग की पूरी नज़र है उस पर, सतर्क दृष्टि है। आप देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज, अपराध के खिलाफ जंग।